हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये वीडियो है अम्मा की तेरी से एक दिन पहले का, जब रसगुल्ले बन रहे थे और अम्मा की तेरी में बन रहे हैं रसगुल्ले वाइट वाले। तो यहाँ पर ये बना रहे हैं भैया, हलवाई लोग बना रहे हैं यहाँ पर। तो ये पहले दूध को फाड़ा है, फिर उसके बाद ये ऐसे मैश किया है जैसे भैया उधर की साइड में कर रहे हैं, बहुत अच्छे से मैश कर रहे हैं। फिर बाद में ये गोल गोल बॉल बना ली जाएंगी छोटी छोटी सी इसकी। और यहाँ साइड में बर्फ़ भी रखा है, इसके बाद शायद बर्फ़ पे रखेंगे, पता नहीं क्या करेंगे ये। और इधर दूध गर्म हो रहा है और यहाँ पर चाशनी बन करके रेडी कर दी गई है, जो कि ये बॉल इसके अंदर पड़ेंगी अब, तभी रसगुल्ले तैयार होंगे। और भी दूध उबल रहा है और यहाँ पर भैया लोग बना रहे हैं अच्छे से, और इन्होंने थोड़ी सी वीडियो शूट इधर की भी कर ली है। और यहाँ पर परिवार के सारे लोग बैठे हैं जो ये देखा वाली कर रहे हैं इस प्रोग्राम की। तो यहाँ पर सभी बैठे हैं पेड़ के नीचे और ये भैया लोग काम पे लग रहे हैं अपने। और यहाँ पर बन करके रेडी हैं ये रसगुल्ले वाइट वाले, कुछ बन गए हैं और कुछ बन रहे हैं। और यहाँ पर सब्जी भी कितनी सारी पड़ी है देखिए, ये जो क्या कल सुबह में बनेगी। और ये सभी लोग परिवार के हैं। तो यहाँ पर देखिए ये तीन भगोने तो बन गए हैं और भी बनेंगे जो बन रहे हैं। देखो ये भैया लोग बना रहे हैं, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है तो इसके लिए ज़्यादा से ही बनेंगे। तो यहाँ पर दूध भी गर्म हो रहा है और भैया लोग चाय भी पी रहे हैं, इन्होंने ही बनाई होगी हलवाइयों ने। तो ये सारे लोग चाय भी पी रहे हैं और अपना काम भी कर रहे हैं। एक दिन पहले से बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती हैं, तो वही सब सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर चेयर वगैरह सब कुछ आ चुका है, टेंट भी आ चुका है जो क्या लग जाएगा। तो कल की सारी ही तैयारी है। केतवा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु, ओम सर्वे ग्रह देवेभ्याय नमो नमः। तो जी आज है अम्मा की तेरहवीं और तेरहवीं वाले दिन होता है हवन हमारे यहाँ। तो यहाँ पर हवन हो रहा है, जो क्या शुद्धि बोली जाती है कि शुद्धि हो रही है, तो वो हवन चल रहा है। और अम्मा के फोटो पर हार वार चढ़ा रहे हैं, पापा हैं, चाचा हैं, ताऊ जी हैं और भी परिवार के सभी सदस्य हैं जो भी हैं, तो सारे ही बैठते हैं इसमें हवन में। तो सभी लोग बैठे हैं और हवन हो रहा है यहाँ पर। और ये सारी चीज़ें जो रखी हैं सामने, ही खाट है और भी चीज़ें, ये कट्टे वगैरह हैं, इसमें अनाज है, तो सारी चीज़ें ये दान में जाएंगी। जो आज के दिन पंडितों को दान दिया जाता है और खिलाया भी जाता है, जो भी ओम शुक्ला। और यहाँ पर सब ये दान वगैरह होता है जो भी, तो यहाँ पर ये अनाज वगैरह और जो भी चीज़ें होती हैं इस्तेमाल की, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दान में दी जा रही हैं। ये खाट वाट भी दी जाएगी और ये सारी चीज़ें जो रखी हैं सामने, सब्जी वगैरह, अनाज, जो भी चीज़ इस्तेमाल की होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं पंडित के लिए, तो वो ले करके जाएंगे। और ये हैं हमारी अम्मा जिनका स्वर्गवास हो चुका है। हवन वगैरह के बाद हो गया था खाना स्टार्ट, तो सभी लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। जेंट्स अलग खा रहे हैं और लेडीजें अलग खा रही हैं, इनका हिसाब अलग कराया था। गांव में ऐसा होता है ना, पर्दा वर्दा अलग करती है तो लेडीजों को परेशानी होती है, तो इसलिए लेडीजों का अलग कर दिया था खाने का और जेंट्स का अलग कर दिया था, तो ये सुविधा ठीक, नहीं तो लेडीजें परेशान हो जाती हैं कि सर पर पल्ला रखें। और यहाँ तो मेरा उतर भी गया था पल्ला, और बार बार उतर रहा था और बार बार मैं रख रही थी सर पे, लेकिन फिर भी रुक नहीं रहा था। और यहाँ पर हम कर रहे हैं किसी चीज़ की तैयारी, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और यहाँ पर हम खाना पीना करके आ गए थे घर पे, तो बैठे हैं हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और अम्मा की तेरहवीं का खाना बहुत ही टेस्टी था और बहुत अच्छा था।